Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आपने आर्टिकल 13 के बारे में नहीं जानते, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 13 के तहत काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जो कि डायरेक्ट सस्पेंड कर दिए जा रहे हैं, जो कि पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है ये लेकिन आर्टिकल 13 के नाम देकर काफ़ी सारे ऐसे चैनल जो है सस्पेंड कर दिए जा रहे हैं, या फिर काफ़ी सारे चैनल पर जो है स्ट्राइक भेजी जा रही है। दोस्तों मेरे चैनल पर भी एक कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ चुकी है और एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है। इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर दो स्ट्राइक आ चुकी है। वो भी किस लिए? क्योंकि मैंने हाल में ही अभी जो रॉबर्ट 2 की जो वीडियो बनाई थी, मैंने हाउ टू डाउनलोड रॉबर्ट 2.0, तो दोस्तों इसके ऊपर जो है मुझे उसका गाइडलाइंस का स्ट्राइक आ चुका है। बिना वजह में काफ़ी सारे मैंने उसमें कुछ दूसरे की चीज़ भी इस्तेमाल नहीं की थी, जिसकी वजह से जो है मेरे पास जो स्ट्राइक आ चुका है। इसको मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला आर्टिकल 13 के तहत जो है ये मेरा जो चैनल पे जो स्ट्राइक आया है, और आर्टिकल 13 के बारे में जानने के बाद जो है मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल चुका है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे जो है रूल्स आ चुके हैं यूरोप की लॉ की तरफ से। यूरोप की लॉ ने जो है इसको पास कर दिया आर्टिकल 13 के बारे में, और मैं आपको डीपली बताता हूँ आर्टिकल 13 के बारे में। दोस्तों ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको ये चीज़ पूरी तरीके से जान लेनी चाहिए आर्टिकल 13 है क्या। दोस्तों काफ़ी सारा जो है अभी इसमें अभी बवाल चल रहा है आर्टिकल 13 के बारे में, तो मैं आपको बताऊँ। उससे पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो पाने के लिए। तो आर्टिकल 13 को लेकर यूरोप की जो सरकार ने इन्हें पास किया, यूट्यूब की जो CEO है पर्सनली, जितने भी क्रिएटर हैं सबको जो है जीमेल पे एक मेल भेज रही है। अगर आपके पास नहीं आया है तो आपके पास ज़रूर आ जाएगा आर्टिकल 13 के बारे में, तो उसे एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल 13 के बारे में, आर्टिकल 13 होता क्या है। तो आर्टिकल 13 के तहत हम जिस तरीके से हम बोलते हैं, किसी भी तरीके का जो है कॉपीराइट कंटेंट हम पहले भी नहीं डाल सकते थे, लेकिन अब जो है हम गूगल से डाउनलोड करके इमेज जो लगाते हैं, हम वो भी इमेज नहीं लगा सकते। तो इमेज नहीं लगा सकते, और मैं आपको बता दूँ, जो भी अगर आप कोई भी एक सॉन्ग्स तैयार कर रहे हैं, लिरिक्स तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो है बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता था। जितने भी जो क्रिएटर हैं, जो भी जो सिंगिंग करते हैं, उनको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता था, लेकिन अब जो है बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके पास जो है कम्युनिटी का एक स्टैक हैंड टू हैंड अब आ जाएगा। आप यूज़ करके देख लीजिए। और उसके बाद जो मैं आपको बता दूँ, जो जितने भी रोस्टर हैं, पहले भी जो है अगर अपनी वीडियोज़ में गाली देते थे तब भी जो है काफ़ी जो है एज रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता था वीडियो को, लेकिन अभी क्या है, अभी जो है अब डायरेक्ट जो है अपने चैनल पर स्ट्राइक आएगा, और नहीं तो फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आएगा, नहीं वो सस्पेंड कर दिया जाएगा चाहे वो कितना भी बड़ा चैनल हो। उसके बाद अगर आप कोई भी म्यूज़िक और किसी भी वीडियो का कंटेंट लगाते हैं, तो कुछ भी एक ज़रा सा भी किसी भी दूसरे का कंटेंट आप समझ ही सकते हैं इमेज को लेकर, इतना जो अगर कोई भी गूगल का थर्ड पार्टी इमेज यूज़ करते हैं उसको लेकर जब आपके पास कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आ जाता है, तो ये फिर तो वीडियो का कंटेंट है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी ये आर्टिकल 13 लागू क्यों हुआ है, आर्टिकल 13 लागू इसलिए हुआ है क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो है चैनल ऐसे हैं जो कि बॉलीवुड मूवीज़ या फिर हॉलीवुड मूवीज़ के जो है ट्रेलर आते हैं नए नए मूवी के, उसके जो है स्पूफ बनाने लगते हैं। तो लोग जितने भी हमारे इधर पब्लिक आती है, जितने भी व्यूवर्स होते हैं, उन्हें देखना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो आर्टिकल को वो उसको ट्रेलर को छोड़ के स्पूफ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इससे जो है उनके जो है कंपनी पे बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता है, जिसकी वजह से जो इन्होंने ये रूल तैयार किया है, अगर आप किसी भी ट्रेलर या फिर किसी भी मूवी का आप अपना इसमें फ़ोटो भी पोस्टर भी अगर लगाते हैं अपने थंबनेल पे या फिर अपनी वीडियो के अंदर, तो आपका जो है चैनल डायरेक्टली सस्पेंड कर दिया जाएगा बिल्कुल। और जो है कम्युनिटी, अगर आपका बड़ा चैनल है तो आपको पहले स्ट्राइक आएगा, नहीं तो आपका जो है चैनल इसमें सस्पेंड कर दिया जाएगा डायरेक्ट, बिल्कुल साफ साफ है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया पे देख सकते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। ये वीडियो आप जो है आप यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, बिकॉज इस यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। जब आर्टिकल 13 के बारे में जब लॉन्च हुआ तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग जो है, जो ये दुनिया के 10 खतरनाक जीव हैं, 10 खतरनाक गैजेट या फिर 10 5 जितने भी गिनाते हैं,
और वीडियो जो है वो दूसरे कंटेंट यूज़ करते हैं, चाहे वो क्रिएटिव कॉमन ही क्यों ना वो वीडियो, लेकिन आप अब यूज़ नहीं कर सकते अपने चैनल पे। अगर व्हाट्सअप स्टेटस आप अगर आप बनाते हैं या फिर वीगो या फिर तुम्हारा टिकटॉक की वीडियो अगर आप अपने चैनल पर डालते हैं, तो आपका मोनेटाइजेशन तो पहले ही बैन हो चुका होगा या फिर मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं होगा। अब जो है आपके चैनल पे भी खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आप अपना खुद का जो है ओरिजिनल कंटेंट डालें। काफ़ी सारे ऐसे जो लोग हैं जो अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं और यूट्यूब उनको सपोर्ट भी करता है, यूट्यूब उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, थोड़ा सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि आप टेक्निकल गुरुजी को देख सकते हैं, टेक्निकल सागर को देख सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे ऐसे टेक के चैनल, या फिर आप मुंबई निखिरकर को देख सकते हैं, या फिर ब्लॉग को देख सकते हैं, जो कि उनके पास पूरा का पूरा अपना ही कंटेंट होता है, बिल्कुल प्योर कंटेंट। इसलिए यूट्यूब उसको वीडियोज़ के रिकमेंडेड वीडियोज़ में भी डालता है, फ्यूचर वीडियोज़ में भी डालता है, जिसकी वजह से जो उनका काफ़ी सारा चैनल जो ग्रो होता है। तो मैं आपको बता दूँ, तो दोस्तों कोई भी जो व्यूवर हमारा आता है यूट्यूब पर आता है, दूसरे की वीडियोस फ़नी वीडियोस देखने आता है, जिसमें जूम थप्पड़ की आवाज़ आती है, घुसे की आवाज़ आती है, जितने भी जो है ये आपने अमित बराना या फिर राउंड ट्वेल्व के उसमें वीडियो में देखे होंगे, जो बैकग्राउंड से बॉम्ब की आवाज़ आती है कोई भी चीज़, तो आप वो वॉइस भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे आप आर्टिकल 13 के तहत। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से जो है आप वीडियोस देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला, बिकॉज क्योंकि ये वीडियो में मज़ा फनी वीडियोस में मज़ा जब ही आता है जब उसमें जो है साउंड एडिट किया जाता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके, लेकिन आप जो है इन्जॉय नहीं कर सकते काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ को। और आप जो कोई भी व्यूवर्स है पूरे दिन काम करके थक के आता है, और यूट्यूब ही जो पहला एक स्त्रोत है जो यूट्यूब पे ही क्लिक करके फनी वीडियोज़ या फिर रोस्टेड वीडियोज़ या फिर कुछ स्पूफ वगैरह देखता है, काफ़ी सारी ऐसे जो चीज़ें देखता है, न्यू सिंगिंग सिंगर को देखता है जिसे वो पसंद करता है, तो अब जो वो कोई भी वीडियो नहीं देख सकता इस तरीके की अगर आप YouTube फ्यूचर में देखें तो। क्योंकि अभी तो दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, अगर आपका भी चैनल सस्पेंड हुआ है या फिर स्ट्राइक आई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। और उसके बाद क्या होता है, अब जो पब्लिक है व्यूवर्स है जो उनको जो वो देखना चाहते हैं वो चीज़ अब जो है यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है, तो सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट जो मिलेगा, पता नहीं कौन सा मिलेगा, आप जो भी व्यूवर्स को देखना पसंद करेंगे, नहीं तो आप आधे पब्लिक तो वैसे ही जाके पबजी खेल रही है और टिकटॉक में बिजी है। जी हाँ आप देख सकते हैं टिकटॉक में और पबजी में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ऐसे बिजी है, यूट्यूब शायद ही फ्यूचर में मुझे लगता है रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि पब्लिक जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना खुश है, क्योंकि इसने कुछ रूल्स इतने बहुत तगड़े बना रखे हैं आर्टिकल 13 के बारे में। मैं ये पूरे बताते जो है आपको बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप शॉर्टकट में ये समझ लीजिए कि खुद की वॉइस होनी चाहिए, खुद की वीडियो होनी चाहिए, खुद की एडिटिंग होनी चाहिए, खुद का साउंड होना चाहिए, और किसी का भी साउंड जो आप यूज़ नहीं कर सकते, किसी के गाने यूज़ नहीं कर सकते, किसी का फ़ोटो यूज़ नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप गूगल में से कोई भी फ़ोटो नहीं उठा सकते, आप कुछ भी जो है एक बाहर की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा है कि घर का इस्तेमाल करना है, मतलब अपना खुद का इस्तेमाल करना है। तो काफ़ी सारे रूल्स हैं, उम्मीद है ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और आर्टिकल 13 को ध्यान में रखते ही अब आगे वीडियो बनाएं, आप सबसे गुजारिश है इस बात की, क्योंकि आपके क्रिएटर हैं, मुझे और आपको भी पता है एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो वो वीडियो अपना खुद का बनाएं, अब मेहनत जो है वो अपने आप करें, तो आप इंशाल्लाह आगे जाके जो है आप काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस होंगे और काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैनल आपका होगा अगर आप ध्यान से काम करें तो यूट्यूब में। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए।